बड़े बुजुर्गों की एक कहावत है कि यदि घर में सुख शांति है तो यहीं पर स्वर्ग है, और यदि घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो यहीं पर आदमी के लिए नरक बन जाता है। ये कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपको कुछ ऐसे नुस्खे पता चलेंगे जिससे आप अपना घरेलू जीवन सुख और शांति से बिता सकते हो। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक बौद्ध भिक्षुई की है जिसका नाम विशाखा था। विशाखा ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था और उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। विशाखा के पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। उसके माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वो उन्हें बहुत मानते थे और बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। विशाखा भी बचपन से अपने माता पिता के साथ धर्म सरोवर में जाया करती थी। कहा जाता है कि विशाखा जब 7 वर्ष के थी तभी वो श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो चुकी थी। श्रोतापति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। मनुष्य तब आध्यात्मिक यात्रा पर चल सकता है जब वो श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। ये मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो ये तीसरा महत्वपूर्ण मणिपूर्ण चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सचमुच बहुत सुंदर नाम दिया है, वो सच में मणि है। वो मनुष्य के भीतर का भाग्य खोल देती है। मणि चक्र बंद होता है, बिना गुरु के सहयोग के वो नहीं खुलता, और जिसका खुल गया वो समाज के नजरों में आपको पागल सा लगेगा। आप उन्हें कहेंगे कि वो तो दीवाना सा हो गया है। बहुत ही छोटी सी समय में श्रोतापति उपलब्ध हुई विशाखा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती निवासी मिगार सृष्टि के पुत्र वर्धन से हो गया। जब विशाखा की मायके से विदाई हो रही थी तब विदाई की समय धनंजय सेठ ने अपनी पुत्री विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई थी। सबसे पहली, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी, जो देता है उसको देना। चौथी, जो नहीं देता उसको मत देना। पांचवी, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। छठी, सुख से बैठना। सातवी, सुख से खाना। आठवी, सुख से लेटना। नौवी, अग्नि की परिचर्चा करना। दसवीं, कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही पिता की बातों को गांठ बांध कर विशाखा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की दी हर शिक्षा याद थी। उस घर में भगवान का दिया हुआ वो सब कुछ था जो उसे चाहिए था, लेकिन फिर भी विशाखा को उस घर में एक कमी सी खलती थी, और वो कमी थी भगवान की कमी। श्रावस्ती में रहकर भी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा ना रखे, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपिल वस्तु में रहने वाली विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह इसलिए किया था ताकि उसे वहाँ भगवान के दर्शन करने को मिल जाए। यहाँ भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध। दोस्तों, इस कहानी में आप बार बार सुन रहे होंगे कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में बिहरते थे। अपने जीवन के 40 वर्षों में से 25 से भी अधिक वर्ष भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में गुजारे। विशाखा के ससुराल के माहौल ना तो बुद्ध के विरोधी था और ना ही उनके अनुयायी जैसा। उसके पति और ससुर दोनों पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत भिक्षु को ना तो दान दिया था और ना ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। उन लोगों ने आज तक वहाँ पर कोई कुआं नहीं बनवाया, ना कोई बावड़ी बनवाई और ना ही कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक कोई शुभ कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर को गरम गरम भोजन परोस कर खिला रही थी। विकार हमेशा सोने चांदी के बर्तन में ही भोजन किया करता था। तभी वहाँ बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आ जाता है। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति
बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वो ऐसे घर की बहू बन के आ गई थी जहाँ बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति, वह संघ के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वो उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। तभी उन भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर विशाखा को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसीलिए वो थोड़ा किनारे पर हो जाती है ताकि वो बौद्ध भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वो बौद्ध भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है, लेकिन इसके बाद भी भिखारी भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करता रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के किसी को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती थी। तब सही समय और मौके का इंतजार करती विशाखा समय को चूकना नहीं चाहती थी। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ उसे देखकर कहा, भिक्षु जी, आप और कोई घर देखिए, मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात उसने इतने जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने विशाखा की ये बातें सुनी तो क्रोध से भर उठता है और अपनी बहू विशाखा को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। मिगार विशाखा से कहता है कि तुम हमारे घर की बधू हो और सबके सामने हमारी ही बदनामी करवा रही हो और घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए ही वापस भेज देती हो, ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। मिगार विशाखा पर बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। मिगार पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरी कुल का अनादर किया है, उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया है। उसने एक बौद्ध भिक्षु को ये कहकर घर से वापस भेज दिया कि मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं, आप ही पंच लोग इसका फैसला करो और जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूंगा। मुझे मेरी बेटी को मेरे पुत्र वधु से तलाक करवाना है और उसके माता पिता भी यही है। इतना कहकर वो रोने लगता है। भिखार को रोता हुआ देख पंचायत ने विशाखा से पूछा कि बेटा, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, उच्च कुल की हो, पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से ये समाज चल सकता है? जहाँ बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात, उनका मान सम्मान भी नहीं कर सकती। जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार का आचरण अपनाएगी तो हम बाकी सबसे क्या उम्मीद करेंगे? तुम बताओ, क्या सच में तुमने ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब विशाखा ने जवाब देते हुए दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि पंच तो भगवान के तुल्य होते हैं, मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। ये सत्य है कि मैंने ये कहा था, लेकिन क्यों कहा था ये भी आप जान लीजिए। हमारे घर में वो सब कुछ है जो किसी आदमी को चाहिए, धन दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधा का हर सामान जो सबको चाहिए होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब धन धान्य से भरा हुआ है, भगवान ने सब कुछ दिया है। लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कभी कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर कुआं या बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और जन्म की कमाई होगी जो इस जन्म में ये उपयोग कर रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में जो इस जन्म में काट रहे होंगे, वरना तो इन्होंने इस जन्म में कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके बदले ये सुख भोग भोग रहे हैं। तो आप ही कहे कि मैंने क्या गलत कहा। मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। आप लोग ही बताए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैंने क्या गलत बोला। विशाखा की ये बातें सुन पंचायत उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और मिगार से कहते हैं कि तुम्हारी संपत्ति का तुम्हारी बहू पर कोई अधिकार है या नहीं? यदि है तो उसे उसमें से अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपकी बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी बल्कि आपको चेता रही थी। तब पंच की बात सुन मिगार उनसे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिसे ये ज्ञात होता है कि ये हमारे घर की बहू बनने की काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि जरा बताइए। तब मिगार कहता है कि मायके की विदाई के समय भी इसके पिता धनंजय सेठ ने इसे हमारे खिलाफ भड़काया था, इसके कानों में कुछ बातें कही थी
जो मैंने सुन ली थी। मैं वहीं पर खड़ा था पर्दे के पीछे जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे, तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ। मिगार सेठ कहता है कि इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए ये संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए किसी ने आग मांग ली, उसे आग नहीं देंगे? ये तो आसपास पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है ना। तब पंचायत विशाखा से पूछते हैं, क्या ये सत्य है, क्या उन्होंने ऐसा कहा था? तब विशाखा उनसे कहती है कि ये सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थ को गलत समझ लिया है। मेरे पिताजी मुझसे बस ये कह रहे थे कि अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर, देवर पति इत्यादि किसी की भी कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। उनका ये अर्थ था इस बात से। अपनी बहू की बात सुन मिगार सेठ हैरान हो जाता है। तब वो कहता है कि बाकी शब्दों के क्या मतलब थे, उनके द्वारा कहे हर शब्द से घर में बैर ही होगी। तब विशाखा पंचायत में कहती है कि मेरे पिता के कहे गए हर शब्द को ससुर जी ने गलत निकाला है। अब जो बात उन्होंने रखी है तो बाकी मैं उन शब्दों का अर्थ भी बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेश में ये कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात कि मेरे ससुराल की किसी परिजन की कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को भी घर में मत कहना। ये एक बड़ी आग होती है जिससे घर में समस्या पैदा होती है। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसको देना और चौथा जो नहीं दे उसे मत देना। इसका यही मतलब था कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो कि वापस कर दे, ना कि उसे जो वापस ही ना करे। उनके पांचवे शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना, इसका मतलब ये था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, भिक्षु साधु, इन्हें कभी कोई भी चीज वापस लेने के लिए वापस लेने के मन से नहीं देना, बल्कि ये सोच कर देना कि तुम्हें यहाँ बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठना का मतलब ये था कि घर में ऐसी जगह अदब से बैठना कि यदि कोई भी बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा के उठना ना पड़े। सातवें शब्द सुख से खाना का मतलब है कि भोजन करने तभी बैठना कि सभी घर के बड़े जानवर सब कर ले, वही सुख का भोजन होगा। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले देख लो कि सास ससुर बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवाई खानी है तो वो खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद है, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। ये सब जांच पड़क के लेटना सुख से लेटना है। नौवां शब्द अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सब स्वयं प्रेम से रहना, किसी के साथ कोई ऐसी बात या बर्ताव मत करना जिससे वो बुरा मान जाए, सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवों की पूजा करना, अर्थात सभी बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्य हो या बाहर के कोई भिक्षु, सबको पूजनीय समझना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, भूलकर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिता ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा कि ये हर तरह से सुखी है, ये जरूर किसी जन्म के पुण्य है। ये सब सुनकर विशाखा के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा का न केवल मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ मिगार और सभी लोग ये सुनकर हैरान थे, पूरे पंचायत विशाखा की प्रशंसा करते रुक नहीं रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इतना सुनकर मिगार की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से विशाखा मेरी बहू बाद में और गुरु पहले है, और इसे पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से जो चाहे उसे खर्च करे। उसके बाद सब अपने घर लौट जाते हैं और घर जाकर मिगार विशाखा से कहता है कि क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रण करे। विशाखा कहती है कि ये तो नेक ख्याल है
और वो अगले दिन सभी संतों को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। भोजन के उपरांत मिगार ने भगवान के उपदेश सुन उनकी दीक्षा ले ली और बाद में वो भगवान का प्रिय शिष्य कहलाया गया। विशाखा ने श्रावस्ती में एक बिहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। वो 1000 भिक्षुओं के रहने की 5 मंजिला बिहार था। उसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि विशाखा भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो भगवान के जीते जी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर की विशाखा उन बौद्ध भिक्षुई में से एक थी, जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। तो दोस्तों, ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर सभी सुख सुविधाओं के बीच रहकर उस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। बस आपके मन में वो इच्छा, दृढ़ निश्चय और वो लगन होनी चाहिए जो आपको निरंतर ध्यान करने के लिए प्रेरित करे।